साहब कोरियर आ रहा हूँ बाबा। सर आपका कोरियर दीजिए। सर यहाँ साइन कर दीजिए थोड़ा। थैंक यू सर। वेलकम। वाओ, ये गिफ्ट मेरे लिए है? नहीं नहीं, अम्मा के लिए, अम्मा के लिए। अरे मेरी जान, इस घर में तुम्हारे सिवा और कोई है क्या? आज नहीं है, पर मम्मी पापा तो कल आ जाएंगे ना? इसीलिए तो आज मंगवाया है मेरी जान। आज बस तुम और मैं, दूसरा कोई नहीं। तो खोलू क्या अभी? नहीं नहीं, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। अरे गिफ्ट। ओह नहीं नहीं, रहने दो, अम्मा आने के बाद खोलना, ठीक है? अच्छा ठीक है। हे भगवान, खोलो अभी खोलो। हाँ तो खोलती हो ना, गुस्सा क्यों करते हो? शायद किसी और का पैकेट हमारे घर गलती से आ गया है। अरे चिल्लाती क्यों हो, ये पैकेट हमारा है और ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? देखो घर में कोई नहीं है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पहन के बाहर घूमो। हाँ बस मेरे सामने ही तो एक बार पहनना है, मुझसे क्या शर्माना मेरी जान। मैं नहीं पहनूंगी। देखो जाने मन, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। शादी से पहले मैंने सोचा था कि ऐसे कपड़ा मेरे बीबी को एक बार पहनाऊंगा। थोड़ा सोचो, यहाँ अम्मा और बाबूजी भी नहीं है, फैक्ट्री से मुझे बोनस मिला है, पूरे 8,000 दे के खरीदा है मैंने। अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो पूरे 8,000 वेस्ट हो जाएंगे। क्या ये कपड़े के लिए तुमने 8,000 खर्चा किए? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या लगा है इसमें? अरे ये विक्टोरिया की है। क्या तुमने किसी और के कपड़े मेरे लिए उठा के ले आए? और किसी के? अभी तो तुमने बोले ना विक्टोरिया की है। अरे मेरी माँ, विक्टोरिया एक ब्रांड है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं ना इस तरह। ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। फोन किसको कर रही हो? तुम्हारी मम्मी को। पागल हो गए हो क्या, मम्मी को क्यों फोन कर रही हो? मैं तुम्हारी बीबी हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। वो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मम्मी से पूछ लूँ। आपका बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, मैं क्या पहन लूँ इसे? रात को जब पोता पोती प्लान करती हो वो क्या मम्मी से पूछ कर करती हो तुम? देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। हद? पति पत्नी के बीच में हद? तुम बस इतना बता दो इसे पहनोगे कि नहीं। कभी नहीं। बाहर में जाओ, इसे जलाओ या फेंक दो, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? Thank you.
हेलो हेलो पूजा, क्या कर रही थी? जला रही थी। क्या जला रही थी? अरे मैं बर्बाद हो गई यार, मुझे मालूम नहीं था कि सागर ऐसे निकलेंगे। ऐसा क्या किया सागर ने? 8,000 खर्चा करके मेरे लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेके आए हैं और बोल रहे हैं पहन के दिखाओ। किसको दिखाओ? पूरे मोहल्ले को? तू ये कैसी बात कर रही है? वो चाहते हैं मैं ये पहन के उनको दिखाऊं, उनके सामने आऊं। सास ससुर घर में नहीं है तो इसलिए उनके दिमाग में गंदा ख्याल आ रहा है। अरे उसका ख्याल गंदा नहीं, तेरा ख्याल धक्कानुसी है। अरे अपने पति को नहीं दिखाओगी तो किसको दिखाओगी? सोच ले, अगर तू ये नहीं पहनेगी तो कोई और पहन लेगी, और जो पहनेगी तेरा पति उसको देखेगा। फिर तेरी किस्मत की तो पन्नोती लगना तय है। अरे शादी में थोड़ा रोमांच ना रहेगा तो पति बोर हो जाएगा, और लाइफ में थोड़ा वैरायटी भी तो चाहिए। थोड़ा सोच के देख, वो पहले तेरे पास आया, अगले बार कहीं और चला गया, उसे किसी और ने पहन लिया तो तेरी शादी टूटना तो पक्का है। हेलो हेलो कोमल, हेलो अरे अपने पति को नहीं दिखाओगी तो किसको दिखाओगी? सोच ले, अगर तू ये नहीं पहनेगी तो कोई और पहन लेगी, फिर तेरी किस्मत की तो पन्नोती लगना तय है। वो पहले तेरे पास आया, अगले बार कहीं और चला गया, उसे किसी और ने पहन लिया तो तेरी शादी टूटना तो पक्का है। वो पहले तेरे पास आया, अगले बार कहीं और चला गया, उसे किसी और ने पहन लिया तो तेरी शादी टूटना तो तेरी शादी टूटना तो तेरी शादी टूटना तो तेरी शादी तुम मुझे जैसे देखना चाहते थे, अगर वैसे देखना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर घर आ जाओ। दरवाजा खुला है, आ जाओ।
Oh,